नमस्कार मेरे मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं के सभी छात्रों और छात्राओं, आपका स्वागत है हमारे एक और नए धुआंधार धमाकेदार शानदार जबरदस्त जानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 9वीं विषय संस्कृत मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस है ना। जैसे कि आप सभी को पता है, जो त्रैमासिक परीक्षा है 7 अक्टूबर से आपकी आरंभ होने जा रही है। तो संस्कृत के पेपर के लिए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आपको हमारे वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना है। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते। तो आपकी जो पहली पुस्तक है सेमोस ही प्रथमा भागा, इसमें आपको देखिए इन सारे अध्यायों की तैयारी आपको करनी है। देख लेते हम द्वितीय पाठ स्वर्णकाका, तृतीय पाठ गोदोहनम, चतुर्थ पाठ कल्पतरु, पंचम पाठ सुक्ति भुक्तिम, षष्ठी पाठ भांतिवाला, सप्तम पाठ प्रत्यभिज्ञानम और व्याकरण विधि में आपको देखिए यहाँ पर इन सारे अध्यायों को पढ़ना है। तृतीय अध्याय संधि सामान्य परिचय एवं वेद, चतुर्थ अध्याय शब्द रूप सामान्य परिचय, पंचमा अध्याय धातु रूप सामान्य परिचय, षष्ठ अध्याय अप उपसर्ग, सप्तमा अध्याय अव्यय, अष्टम अध्याय प्रत्यय प्रकरणम, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय स्त्री प्रत्यय, नवमा अध्याय समास परिचय। इन सभी अध्याय को आपको पढ़ लेना है। और फिर आपको क्या पढ़ना है, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है, आप पठित गद्यांश, निबंध लेखन और पत्र लेखन। तो ये था आपका संस्कृत का सिलेबस। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।